फरीदाबाद में कुछ दिन पहले हुए एक हत्याकांड में जहां पर निकिता तोमर को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया था, उस घटना पर निकिता के लिए न्याय की मांग करते हुए झारसुगड़ा जिला करनी सेना ने गुरुवार के दिन बस स्टैंड गांधी मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सरकार को आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाने के लिए कहा। आज हम मौजूद हुए हैं झारसुगड़ा के बस स्टैंड के पास, जहां पे निकिता के साथ इंसाफ मांगने के लिए करनी सेना यहां मौजूद है, और हम यहां पे महिला समाज की मैम से बात करेंगे कि वो अपनी क्या राय देना चाहते हैं और सरकार से क्या उम्मीद चाहते हैं कि निकिता। नारी को हर जगह में, किसी जगह में रेप करते हैं, किस जगह में गोली करके मारते हैं, ये दिन के दिन बढ़ती जा रहा है, तो हम इसको बहुत विरोध कर रहे हैं और सरकार को इतना उम्मीद रख रहे हैं। एक लेडीज को जब घर से निकल रहा है तो उसको सुरक्षित कैसे घर पहुंचेगा, उसका बंदोबस्त कीजिए। एक बच्ची घर से एग्जाम देने के लिए निकला है कॉलेज, उसको वो कैसे घर पहुंचेगी, उसका माँ बाबा बैठे हैं, मेरा बेटी आएगी बोल के, उसको एक लड़का कॉलेज के सामने मार दिया जा रहा है, उसका पुलिस का कोई प्रोसेसन वहाँ पर नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लड़का 2-4 घंटा से वहाँ पर बंदूक लेके घूम रहा है, तो क्या सरकार को एक तो पेट्रोलिंग करना नहीं चाहिए कॉलेज के सामने जो बच्चा लोग का एग्जाम हो रहा है? ये कौन सा सरकार है, कौन सा सरकार का, कौन सा हम लोग लेडीज लोग के लिए ना हम लोग को बहुत डर लग रहा है। आज हम लोग हैं, हम लोग का बच्चा लोग को हम लोग कौन सा भरोसा में कॉलेज स्कूल छोड़ेंगे। मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं झारसुगड़ा जिला युवा अध्यक्ष हूँ, और ये जो घटना घटा है बल्लभगढ़ में, इसका संपूर्ण रूप से हम लोग विरोध करते हैं, और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा हो, और जितनी जल्द हो उतनी अच्छा हो, और हम लोग ये भी प्रशासन के निवेदन करते हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सके उनका अपना डिसीजन करके उनको फांसी की सज़ा दो। और हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोले हैं कि अगर प्रशासन इसका नहीं कर सकता है तो वो उनको तो हमारे करनी सैनिक है उनको उनको समर्पण कर दिया जाए, वो उसका हिसाब लगाएंगे उनके साथ क्या करना है। और ये जो घटना घट रहा लव जिहाद का, इसका संपूर्ण रूप से करनी सेना विरोध करता है, और हम लोग प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि भाई इस तरह की घटना को ना हो और इस पर ध्यान दिया जाए। मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह हुआ, मैं करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा का। आज जो ये हत्याकांड जो हुई है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। आज हमारी बहू बेटियों को कोई भी कहीं भी सरेआम छेड़ रहा है, धमका रहा है, और अगर मैं तो मानता हूँ कि ये हमारी जो निकिता बहन जो है वो शहीद हुई है, उसने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, और इस कुर्बानी को हम लोग जाया नहीं जाने देंगे। हम लोग कतई भी उस हत्यारे को माफ नहीं करेंगे, और मैं अनुरोध करता हूं खट्टर सरकार से कि हम सिर्फ उन लोगों की अरेस्टिंग से संतुष्ट नहीं है, उन्हें जितनी जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ाया जाए, और जहां निकिता का मर्डर हुआ है, जहां निकिता शहीद हुई है, उसी जगह पे उन लोगों को फांसी पर लटकाया जाए, और नहीं तो खट्टर सरकार ये मान ले कि क्या उनके बंदूक में गोली नहीं थी, या प्रशासन उनका हार गया। कैसे कोई एक भेड़िया अपनी बेटी को बीच बाजार में मार गया। मैं इसी स्लोगन के द्वारा खट्टर सरकार को यह मैसेज देना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उन लोगों के फास्ट ट्रैक में केस चला के कानून के तहत उसी स्थान पे उन लोगों को फांसी पे लटकाया जाए जहां उन लोगों ने हमारी बहन को मारा है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सरकार तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या हमारी बेटियां सुरक्षित है? हर आए दिन कुछ ना कुछ कांड हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, मनीषा के साथ हुआ, फिर निकिता के साथ बीच रोड में गोली मार दी गई, क्यों लव जिहाद के नाम पर गोली क्यों? और लव जिहाद को बंद कराया जाए, और जो निकिता का हत्यारा है उसको फांसी की सजा जल्दी दी जाए। कानून जो हमारा है वो सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, अगर कानून प्रशासन अच्छे से कार्रवाई करे तो ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। ये हमारी हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो हम कानून से गुजारिश करते हैं सख्त कार्रवाई करें और उनको फांसी की सजा। सरकार से हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये लड़की के साथ में जो जितना शर्मनाक मतलब कि अत्याचार हुआ है और इसको बेरहमी से मारा गया है, इस पे सख्त से सख्त सरकार वहाँ का कार्रवाई करे,
अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। वो सपने में भी आदमी नहीं सोचा होगा, जब हम जग जाएंगे ना तो सब सो जाएगा। हकीकत नहीं, चैलेंज ठोक के बोल रहे हैं, जिस दिन अगर हिंदू जग जाएगा ना, अत्याचार होना पूरा इंडिया पे ही बंद हो जाएगा। ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा घिनौना काम हो रहा है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।